आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द, जिन्हें अव्यय भी कहा जाता है। और इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसे पढ़ेंगे कहानी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अव्यय होते क्या हैं। तो अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन न हो। तो अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ, जैसे कि वो यहाँ से चला गया, अब इसमें यहाँ ये जो शब्द है ये एक अव्यय है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मैं अगर इस वाक्य में मैं लिंग, वचन, पुरुष इनमें से कुछ भी अगर बदल दूँ तो भी यहाँ ये जो शब्द है ये बदलेगा ही नहीं। चलो मैं इसका लिंग परिवर्तन करती हूँ। मैंने कहा था वो यहाँ से चला गया, तो ये क्या था, पुल्लिंग था। तो अब मैं स्त्रीलिंग में करती हूँ, तो वो यहाँ से चली गई। अब इसमें यहाँ ये शब्द तो बदला ही नहीं, वचन बदल के देखते हैं, वे यहाँ से चले गए। इस वाक्य में चेंज सब कुछ हो रहा है सिर्फ यहाँ ये शब्द को छोड़ के। इसका मतलब यहाँ ये शब्द, अगर अभी तक कुछ समझ ना आया हो तो टेंशन मत लो, कहानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलो, ये जो है, ये जो अंकल दिख रहे हैं, इनका नाम है शर्मा जी। जी हाँ, जिनके बच्चे इतने अच्छे नंबर लाते कि हमारे घर पे वाट लग जाती है। पर कोई नहीं, अब इनके ही बच्चों के द्वारा हम हमारे नंबर अच्छे लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम है शर्मा जी और इनके पांच बेटे। कितने? पांच बेटे। और उन पांच बेटों का नाम है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो चलिए अब इन चारों के, इन पांचों के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो आज क्रिया विशेषण अपने दोस्त XYZ से बात कर रहा था। तो XYZ बोलता है कि उसके मासी के बेटे के भाई के कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है। तो क्रिया विशेषण अचानक से पूछता है कि उस कुत्ते का एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और उससे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। चार सवाल क्रिया विशेषण XYZ से पूछता है। अब यहाँ पे कब हुआ यानी कि काल पूछा जा रहा है, सुबह, शाम, दिन, रात, किस वक्त हुआ। कहाँ हुआ यानी कि स्थान पूछा जा रहा है, जैसे कि घर पर हुआ, सड़क पे हुआ, स्कूल में हुआ, कहाँ हुआ उसका एक्सीडेंट। रीतिवाचक यानी कि उसके एक्सीडेंट का यहाँ पे ढंग पूछा जा रहा है कि कैसे हुआ, लाइक गिर गया या गाड़ी से टक्कर खा गया या क्या हुआ। परिणामवाचक यानी कि उसे कितनी चोट लगी है, मतलब उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी है, उसे थोड़ी चोट लगी, उसे कितनी चोट लगी है। तो अब मैं आपको इन सब की डेफिनेशन बताती हूँ। कालवाचक मतलब क्रिया के होने अथवा करने का समय बताने वाले अविकारी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने अथवा करने का समय बताने वाले अविकारी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने अथवा करने की रीति या ढंग बताने वाले अविकारी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया या परिणाम बताने वाले अविकारी शब्द को परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है
इस कहानी के द्वारा आपको क्रिया विशेषण अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अब अगला हमारे पास है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं, कहानी नहीं एक फैमिली ट्री। चलो तो अब यहाँ पर हमने ये जाना था कि शर्मा जी के 5 बेटे हैं, उनमें से एक का नाम है समुच्चय। समुच्चय के 2 बेटे हैं, वो कौन कौन है? समान अधिकरण और व्याधिकरण। अब इन दोनों के बीच 4 और बेटे हैं। तो पहले हम देखते हैं समान अधिकरण के 4 बेटों को। उनका नाम है विरोध सूचक, संयोजक, विकल्प बोधक और परिणाम दर्शक। अब इन चारों के जैसे नाम है वैसा ही इनका काम है। तो हमारे पास पहले है सबसे बड़े पुत्र विरोध सूचक। ये जब भी कुछ बोलते हैं या जब भी कुछ काम करते हैं तो हमेशा हर चीज़ का विरोध ही करते रहते हैं। जैसे कि अगर ये बोल रहे हैं कि चलो इन्होंने कुछ बोला, तो अब वो हमेशा उनके वाक्यों में फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अपितु, बल्कि ऐसे शब्दों का उपयोग करते ही रहते हैं। जैसे कि ये ऐसे शब्दों का इतना उपयोग करते हैं कि इनका जो वाक्य होता है वो ऐसा लगता है कि ये उनके वाक्य में हर चीज़ का विरोध ही कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है विरोध सूचक। उसके बाद है संयोजक। संयोजक जो है ये बहुत ही सरल है, ठीक है? तो अब ये जो है ये हमेशा अपने वाक्यों में और, एवं, तथा, जो कि ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है विकल्प बोधक। ये हमेशा हर चीज़ में विकल्प ही लाते रहते हैं। जैसे कि अगर ये बोलेंगे चावल खाओ या रोटी खाओ, तब या मतलब विकल्प ही विकल्प। तो ये हमेशा अपने वाक्यों में विकल्प लाते रहते हैं। विरोध सूचक हमेशा विरोध करते रहते हैं। संयोजक बड़े सरल है तो वो अच्छा ही बोलते हैं। उसके बाद है परिणाम दर्शक। ये हमेशा आंसर देते हैं, लाइक जब भी कुछ बोलेंगे तो उसमें संकेत या फिर परिणाम इनके वाक्यों में होता है। जैसे कि इस कारण, इसलिए, अतः, अतेव, जिससे, अन्यथा आदि, ऐसे शब्दों का ये अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। तो चलिए अब इनकी डेफिनेशन सुन लेते हैं एक बार। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते समय उनमें विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोध सूचक कहा जाता है। जो अव्यय शब्द एक बात के साथ दूसरी बात उन्हें संयोजक बोला जाता है। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं उन्हें विकल्प बोधक कहा जाता है। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते समय उनमें किसी परिणाम की ओर या संकेत करते हैं वे परिणाम सूचक या फिर परिणाम दर्शक कहलाते हैं। अब आते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक की ओर। इनके भी 4 पुत्र हैं, कारण मलक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य सूचक। अब चलो हम कारण मलक को समझने के लिए हम एक वाक्य का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं वहाँ गई थी इसलिए कि आपने भेजा था, तो इस वाक्य में
इसलिए कि ये जो शब्द है ये हमारा कारण मलक अव्यय है। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसी प्रकार अभ्यास करती रहो ताकि तुम और अच्छा गा सको, इसमें ताकि ये जो शब्द है ये उद्देश्यवाचक या फिर उद्देश्य सूचक इस अव्यय को दर्शाता है। जैसा कि मैंने कहा था, जैसा नाम वैसा काम। तो हमने देखा कि कारणवाचक जो है इसमें हमारे, मैंने जो सेंटेंस लिया था, मैं वहाँ गई थी इसलिए कि आपने भेजा था, तो इसमें ये कारण बता रहा है कि क्यों गई थी वहाँ पर, क्योंकि आपने बोला था। उसके बाद उद्देश्यवाचक में मैंने यहाँ पर कहा कि इसी प्रकार अभ्यास करती रहो ताकि तुम और अच्छा गा सको, तो इसमें ये उद्देश्य बता रहा है, ये वाक्य उद्देश्य बता रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जो ही मैंने हमें वाक्य से एक चीज़ का संकेत दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ज्यों ही मैंने ऑटो रुकवाया त्यों ही बस आ गई। दूसरा लेते हैं जिससे हमें ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। अगर आप आएंगे तो मैं साथ चलूंगी। तो इसमें भी अगर तो, पहले वाले जो वाक्य था उसमें ज्यों ही और त्यों ही ये संकेतवाचक का था, और अगर तो ये। अब हम कुछ और लेते हैं, जैसे कि ज्यों ही त्यों ही, अगर तो, चाहे पर, यद्यपि, तथ्यपि, ये सारे जो है ये संकेतवाचक के लिए यूज करे जाते हैं। चलो अब हम स्वरूप बोधक इसके लिए कोई एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कश्मीर की सुंदरता ऐसी है मानो स्वर्ग यही है, तो मानो ये जो शब्द है ये स्वरूपवाचक है, ठीक है। अब रघुनंदन अर्थात राम दशरथ के पुत्र थे, इसमें अर्थात ये जो शब्द है ये स्वरूपवाचक का है या फिर स्वरूप बोधक। अब हमारे पास है एक और भाई जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें ये ना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो इनमें आ जाते, तो पता चल जाता है कि विस्मयादि बोधक है। लेकिन 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 इसमें भी इनके भी कुछ भेद है, ठीक है, पर ये काफ़ी आसान है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे कि शोक बोधक, यानी कि ऐसे किसी चीज़ का शोक मना रहे हो, ऐसे जैसे कि बाप रे, हाय, हे राम, ऐसे। उसके बाद है हमारा विस्मय बोधक, क्या, अहो, हे, अरे आदि। भय बोधक मतलब जब हमें डर लगता है तो हमारे जो एक्सप्रेशन जाते हैं, जैसे कि बाप रे बाप आदि। फिर घृणा बोधक, जब हम कुछ ऐसे बहुत गंदा सा कुछ यू देखते हैं, जैसे कि कुछ भी, तो हम बोलते हैं ना छी, धिक, धत, थू, ऐसे। फिर है हर्ष बोधक, जैसे कि शाबाश, वाह, क्या खूब, धन्य आदि। संबोधन बोधक, जैसे कि हे, ओ, अजी, अरी आदि। स्वीकार बोधक, जब हम बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ये काम करूँगा, तो ठीक, हाँ, अच्छा, जी आदि।
फिर है आशीर्वाद बोधक। जब आपके मम्मी पापा दादा दादी दादा दादी नाना नानी जब आपको आशीर्वाद देते हैं, जब आप उनके पैर छूते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? सुखी रहो, जुग जुग जियो, यशस्वी भव, जीते रहो आदि। उसके बाद इच्छा बोधक, जब आपका जैसे कि अगर मैं आपको आपका दोस्त दिखे जिसके पास आपकी ड्रीम साइकिल है जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी, या आपका बर्थडे है एंड आपका बेस्ट फ्रेंड का भी बर्थडे है उसी दिन एंड आपके बेस्ट फ्रेंड को आपसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मिल जाए, तो आप सोचते हो ना, काश मेरे पास भी वो गिफ्ट होता, काश मेरे पास भी वो साइकिल होती। तो वैसे ही इसमें इच्छा बोधक में काश, हाय, ये सारे शब्द आते हैं। उसके बाद है हमारे पास चेतवनी बोधक, चेतावनी बोधक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जब आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको कुछ चेतावनी देता है, जैसे कि खबरदार, होशियार, सावधान, जैसे कि अभी सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसमें आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं सावधान, अच्छे से पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा चेतावनी बोधक भी समाप्त होता है। अब है निपात, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष भाव लाता है उसे निपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मंदिर में नंदा से ही दान करवाना है, मैं नॉर्मली भी कह सकती थी कि मंदिर में नंदा से दान करवाना है, लेकिन मैंने इस वाक्य में जोर देने के लिए ही ये शब्द जोड़ दिया, मंदिर में नंदा से ही दान करवाना है, ठीक है, तो मैंने इसमें जोर दिया। कोई दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे कि सेठ जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं, मैं नॉर्मल बोलूँ तो सेठ जी हमारी सहायता कर सकते हैं, मुझे तो जोर देना है तो मैं बोलूँगी सेठ जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जैसे कि तक, भी, ही, ये निपात में उपयोग कर जाते हैं किसी भी वाक्य में जोर देने के लिए। संबंध बोधक अव्यय, ये काफ़ी आसान है। कालवाचक यानी कि समय के उपरांत, के पूर्व, के आगे, के पीछे आदि। स्थानवाचक, जगह बताने वाले, के पास, के भीतर, के यहाँ, के दूर आदि। दिशावाचक, दिशा बचाने वाले, बताने वाले, बचाने वाले क्या, के चारों ओर, के पार, के पीछे, के दाएं आदि। साधनवाचक, के सहारे, के द्वारा, के माध्यम, के हाथ आदि। विरोधवाचक, किसी भी वाक्य में विरोध बताते हुए, जैसे कि के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल आदि। समानता सूचक, समानता के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं वो, जैसे कि के जैसे, के समान, के तुल्य आदि। साथ सूचक, के सहचर, के साथ, के सहित, के समेत आदि। हेतु सूचक, के बगैर, के कारण, के चलते, की खातिर आदि। विषम सूचक, के विषय, के भरोसे, बाबत, निस्बत आदि। संग्रहवाचक, तक, पर, समेत, पर्यंत आदि। तो हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये शर्मा जी के बेटों की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो से आपको अगर थोड़ा भी याद हुआ और आपको हंसी आई हो मेरे इस मजाक या स्टोरी से तो इसमें कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।